हेलो एवरीवन वेलकम टू सीम फिजिक्स आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी राइट एलेवंथ में हम लोगों ने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी कितना होता है एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए जो बॉडी मोशन में है कितना होता है काइनेटिक एनर्जी क्या है उसका फार्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर राइट अभी उसका ही अनॉलॉगस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन के अंदर अगर एक बॉडी रोटेट हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा एक तो हमें पता है देखो ऐसे दिमाग लगाना है कि लीनियर मोशन के अंदर फार्मूला क्या था काइनेटिक एनर्जी का दैट वॉज हाफ एम वी स्क्वेर राइट अभी रोटेशनल मोशन में मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो ये आएगा वन बाई टू मास किस में चेंज होता है तो होता है मोमेंट ऑफ एनर्शिया में एंड वी किस में चेंज होता है तो एंगुलर वेलोसिटी में तो ये क्या आएगा फार्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर ये वाला फार्मूला आने वाला है सिर्फ इतना ही ईजी वाला पार्ट है इतना याद रखना है आपको रोटेशनल मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितना आता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दिस इज मोर देन फार्मूला वाइज देखा जाए बट अभी इसका अगर तुम लोग डेरीवेशन देखोगे तो देखो अभी इसका डेरीवेशन करने वाले हम लोग क्या होगा देखो डेरीवेशन इसका उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें एक बॉडी कंसिडर करना पड़ेगा तो लेट्स कंसिडर अ बॉडी राइट कंसिडर करोगे ये बॉडी का मास है एम एंड ये बॉडी परफॉर्म कर रही है रोटेशनल मोशन तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है मतलब क्या होना चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन राइट तो देखो यहाँ पे कंसीडर दिस एज एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस ये बॉडी क्या कर रही है रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है राइट एंड दिस एक्सिस पासिस थ्रू पॉइंट ओ एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन एंड ये ऐसे रोटेट हो रही है मान लेना राइट एंड ये जिसका जो रोटेशन का स्पीड है वो फॉर टाइम बिंग क्या मान लेना स्पीड कॉन्स्टेंट है कितना स्पीड है ओमेगा ओमेगा आपको गिवन है एम आपको गिवन है राइट right? अभी हमें निकालना है इसका काइनेटिक एनर्जी हमें फार्मूला कौन सा पता है हाफ एम वी स्क्वेयर उसका यूज करके रोटेटिंग बॉडी के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालने वाले हैं राइट right? तो अभी ये बॉडी क्या है सिस्टम ऑफ पार्टिकल राइट तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का तो हम लोग डायरेक्ट स्टडी नहीं कर सकते इसलिए हम लोग क्या करेंगे एक छोटे से पार्टिकल के लिए देखेंगे ऐसे कितने पार्टिकल है इसके अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल तो यहाँ पे एक पार्टिकल मान लो जिसका मास है m1 वन यहाँ पे एक पार्टिकल मान लो जिसका मास है m2 टू यहाँ पे एक पार्टिकल मान लो जिसका मास है एम एन कंसीडर देर आर एन नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग मास एम वन एम टू mn एम एन एंड ऑल पार्टिकल्स आर अ डिस्टेंस आर वन आर टू एंड आर एन दिस डिस्टेंसेस आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन सबका डिस्टेंस मैंने क्या माना आर वन आर टू एंड अपू आर एन माना है सारे पार्टिकल का डिस्टेंस अलग अलग होगा अभी यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यह हमें समझ के लेना है एज द बॉडी परफॉर्म्स एज द बॉडी परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन रोटेशनल मोशन ईच एंड एवरी पार्टिकल ईच एंड एवरी पार्टिकल विल परफॉर्म विल परफॉर्म अच्छा पार्टिकल बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है रोटेशनल मोशन पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा तो पार्टिकल रोटेशनल मोशन कभी परफॉर्म नहीं करता अगर पार्टिकल है तो हमेशा क्या परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन राइट ईच एंड एवरी पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ डिफरेंट रेडियस ऑफ डिफरेंट रेडियस राइट आर वन आर टू आर एन तो ये देखो आर वन जो है एम वन है एम वन का सर्कल कैसे आएगा ये वाला कुछ ऐसे सर्कल आएगा छोटा सा पार्ट एम टू का ये वाला ऐसे सर्कल आने वाला है एम एन का ये वाला ऐसे सर्कल आने वाला है राइट तो हर पा अगर हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास लीनियर वालासिटी होगा राइट right. तो एम वन के पास मान लो लीनियर वेलोसिटी है वी वन एम टू के पास मान लो है वी टू एम एन के पास कितना है लीनियर वेलोसिटी वी एन है तो हम लोग मैं क्या करता हूं लीनियर वेलोसिटी लिखता हूं लीनियर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज अच्छा लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है वी इज इक्वल टू क्या आर ओमेगा राइट तो जो फर्स्ट पार्टिकल है उसके लिए क्या आएगा वी वन इज इक्वल टू उसका रेडियस आर वन उसका स्पीड कितना है ओमेगा सेकेंड पार्टिकल के लिए क्या आएगा वी टू इज इक्वल टू आर टू इंटू ओमेगा वैसे ही अंत पार्टिकल के लिए क्या आने वाला है आर एन इंटू ओ ओमेगा ये सारे पार्टिकल का हमें क्या मिला लीनियर वेलोसिटी मिला यहां पर राइट right. अभी आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे दैट इज एक बार वेलोसिटी मिल गया वेलोसिटी अभी हम लोग निकालेंगे काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल पहले पार्टिकल का निकालेंगे बाद में किसका निकालने वाले हम लोग बॉडी के लिए अभी ये जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वो फार्मूला क्या होता है बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए हाफ एम वी स्क्वेयर तो जो पहला पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा वन बाई टू एम वन वी वन स्क्वेयर राइट right. तो ये आएगा वन बाई टू एम वन वी वन तो हमें मिला है ऊपर वी वन कितना है आर वन ओमेगा तो ये आर वन ओमेगा का स्क्वेयर इज इक्वल टू वन बाई टू एम वन आर वन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल का कनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा वन बाई टू एम टू आर टू स्क्वेयर तो ये आ जाएगा वन बाई टू एम टू आर टू ओमेगा का स्क्वेयर इक्वल वन टू 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 आर का ओमेगा ऐसे ही एंथ पार्टिकल के लिए आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंथ पार्टिकल इज वन बाई टू उसका मास MN, उसका रेडियस आर एन का स्क्वेयर तो यार नहीं ये वी है आर कहाँ से आ गया वी एन का स्क्वेयर वन बाई टू एम एन आर एन इंटू टू ओमेगा का स्क्वेयर तो ये क्या मिलेगा वन बाई टू एम एन आर एन का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सारे पार्टिकल का मिला अभी क्या करना है हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसका निकालना है बॉडी का राइट तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी लास्ट पॉइंट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी तो रोटेटिंग बॉडी का निकाला हम लोगों ने किसका निकाला सबसे पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकाला अभी सारे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी तुम लोग ऐड करोगे तो तुम्हें किसका काइनेटिक एनर्जी मिलेगा बॉडी का तो काइनेटिक टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल दी पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी वन प्लस काइनेटिक एनर्जी टू अप टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंथ पार्टिकल राइट तो ये क्या आ जाएगा यहां पर ये आ जाएगा वन बाई टू काटिक एनर्जी ऑफ फोर्स पार्टिकल क्या था एम वन आर वन स्क्र ओमेगा स्क्वेयर सेकेंड पार्टिकल का था वन बाई टू एम टू आर टू स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर एंड एंथ पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितना था एम एन आर एन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर तो इसमें से हम लोगों ने वन बाई टू कॉमन निकाला बचा क्या एम वन आर वन स्क्वेयर प्लस एम टू आर टू स्क्वेयर प्लस अप टू एम एन आर एन स्क्वेर एन ओमेगा स्क्वेयर राइट right. अभी ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है उसके लिए देखो उसको मैं क्या लिख सकता हूं समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वेयर आई इज इक्वल टू वन से लेके अंत तक एन टू ओमेगा स्क्वेयर राइट अच्छा समेशन एम आई आर आई स्क्वेयर क्या होता है तो ये तो है फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल तो उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं वन बाई टू आंटू ओमेगा स्क्वेयर के साथ तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड रोटेटिंग बॉडी इज क्या मिला हमें ओमेगा राइट वेर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा क्या है यहां पर कांस्टेंट ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी जो कि क्या माना है हम लोगों ने कांस्टेंट माना है राइट right? तो क्या क्या किया देखो ये डेरिवेशन के अंदर हम लोगों ने यहां पर स्टार्ट कहां से किया था कि एक बॉडी माना था परफॉर्मिंग अ रोटेशनल मोशन हैविंग स्पीड ओमेगा विच इज कॉन्स्टेंट माना है बाद में सबसे पहले निकाला हम लोगों ने वेलोसिटी राइट उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला काइनेटिक एनर्जी राइट right? पहले वेलोसिटी बाद में काइनेटिक एनर्जी किसका पार्टिकल का बाद में क्या निकाला हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी तो ये देखा जाए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है एंड आपका सब्जेक्टिव के हिसाब से, से स्टेप्स इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है तो स्टेप में हम लोगों ने क्या निकाला सबसे पहले हम लोगों ने निकाला वेलोसिटी बाद में हम लोगों ने क्या निकाला काइनेटिक एनर्जी राइट तो ये वाला सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए देखो ये वाला वेलोसिटी पहले क्या निकाला वेलाटीन बाद में क्या निकाला काइनेटिक एनर्जी राइट बीच में एक दो वर्ड अगर मैं ऐड करता हूं तो यह क्या बनेगा यहां पर एक कुछ एक लेटर बनेगा ऐसे ऐसे बने क्या बना Wiki बना राइट right? तो नेम याद रखना सिक्वेंस याद रख जाएगा विकी याद रखो विकी मतलब का वी क्या इंडिकेट करता है दिस वी इंडिकेट्स वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल एंड वेलोसिटी का फार्मूला क्या है ओमेगा एंड का की मतलब क्या इंडिकेट करता है कैनेटिक एनर्जी एंड कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है हाफ एम वी स्क्वेयर तो पहले तुम लोग क्या निकालोगे वी एंड बाद में क्या निकालोगे कैनेटिक एनर्जी सारे कैनेटिक एनर्जी को ऐड करोगे तो क्या बनेगा तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी एंड उसका फॉर्मूला क्या मिला वन बाई टू आई ओमेगा स्क्वायर, राइट